कैसी लगी आपको केदारनाथ? केदारनाथ अच्छी लगी, इंटरवल से पहले थोड़ी बोरिंग सी थी, वो जो उनका रियल लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो थोड़ी मुझे मजा सा नहीं आया, क्योंकि वो या तो सारा अली खान जो इसके साथ इसके पीछे ही पड़ी रहती है उसको पसंद आ जाता है जो भी है, पर इंटरवल के बाद मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्टिंग कैसी लगी सारा अली? सारा अली खान की मुझे सबसे अच्छी लगी और जानवी कपूर से तो बहुत अच्छी लगी, लगता नहीं कि उनकी पहली फिल्म है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। सुशांत की एक्टिंग फिल्म में कैसी लगी? कर ही लेता है पहले। और अभिषेक कपूर की डायरेक्शन की बात? उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं भी डायरेक्ट करता हूँ, एडी वीडी करता हूँ, तो मुझे तो अच्छी लगी, बट थोड़ा वीएफएक्स थोड़ा मुझे अजीब लगा जो एंड में पानी वाली वाला होता है वो थोड़ा ठीक वो था, नकली लग रहा था, बट फिर भी अच्छी लगी। 10 में से कितने स्टार्स देंगे? 10 में से जी 10 में से मैं देता हूँ 7। और अगर दूसरों को रेकमेंड करेंगे तो क्या करें? हाँ प्लीज जाओ देखो यार, मैं मूवी देखने आया था जो केदारनाथ में हुआ था, उसके लिए आया था मैं पूरा देखने, क्या हुआ था रियलिटी में, बट ब्यूटीफुल लोकेशन है केदारनाथ, बहुत अच्छा दिखता है रियलिटी में, तो जाओ देखो लोकेशन के लिए अच्छे देखो, एक्टिंग भी थोड़ी बहुत एंड में देख सकते हो तुम अच्छी है, सारा अली खान की एक्टिंग कैसी लगी? सारा अली खान वाज ग्रेट ग्रेट यार, शी हैज अ ब्राइट फ्यूचर, उनका लग ही नहीं रहा कि उनकी ये पहली फिल्म है, आई हैव बिकम फैन ऑफ हर। हैव यू वॉच्ड धड़क? अगर दोनों की कंपैरिजन करें जानवी और सारा की तो आपको किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है? प्रॉमिसिंग लग रहा है। प्रॉमिसिंग इज सारा ऑफ कोर्स, थिंग इज जानवी हैज दैट सिंपलिसिटी बट शी इज लाइक मोर मैच्योर सारा अली खान। अगर एक्टिंग की बात करें अपार्ट फ्रॉम सारा बाकी लोगों की, सुशांत की एक्टिंग? सुशांत वाज आल्सो रियली गुड, स्पेशली द मदर ऑफ सुशांत एंड फादर ऑफ सारा अली खान, एक्टिंग वाज गुड, एवरी कैरेक्टर वाज प्रॉमिसिंग, मुकेश सर मुकेश छाबड़ा अच्छी कास्टिंग करते हैं और अच्छी कास्टिंग है, एंड सेकंड पार्ट वाज रियली गुड, तो लव स्टोरी एस्टैब्लिश वगैरह करने में ज्यादा टाइम ले लिया इन्होंने, द पार्ट द ट्रेजिक पार्ट इन्होंने जस्ट लास्ट 25 मिनट्स में दिखाया। व्हाट इज दैट वन मैसेज यू आर टेकिंग अवे विद केदारनाथ? मैसेज इज लाइक इट वाज रियली टचिंग टू वॉच दैट ऑल दैट थिंग्स व्हेन दे हैव शोन द क्लिप आल्सो इन द लास्ट ऑफ द ओरिजिनल। कितने नंबर देंगे फिल्म को, कितने स्टार्स? थैंक यू। आपने केदारनाथ देखी, कैसी लगी आपको? अच्छा वन टाइम वॉच मूवी है, कितना चाहिए केदारनाथ के बारे में, जो हुआ था 2013 उत्तराखंड में हुआ था उसके बारे में काफी लोगों को पता नहीं, देखना चाहिए। सारा अली खान की एक्टिंग कैसी लगी? ग्रेट एक्टर था, जस्ट एक्टर ऑफ सैफ अली खान, सैफ अली ग्रेट एक्टर था, पता नहीं चल रहा उन्होंने डेब्यू किया। आपने धड़क देखी थी जानवी और सारा की, अगर एक्टिंग की बात करें तो किसका एक्टिंग आपको ज्यादा पसंद आया? पांच में से कितने नंबर देंगे फिल्म? और अगर कोई मैसेज देना चाहें अपने बाकी दोस्तों को रेकमेंड करने के लिए तो क्या होगा? देखने के लिए 2013 में जो हुआ था उत्तराखंड वालों के साथ हुआ था, हुआ था क्लाइमेक्स की बात किया जाए पता नहीं चल रहा है, वीएफएक्स ओरिजिनल लग रहा है, डर लग रहा है, बाढ़ आ रहा है डर लग रहा है, पता नहीं चल रहा है वीएफएक्स ओरिजिनल नहीं लग रहा है। थैंक यू। Yeah, hi. I just completed watching Kedarnath and it's really good. And it's Sara Ali Khan's first movie, but unko matlab dekhke aisa lagta nahi ki wo unki first film hai. ठीक है, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने एक्टिंग की है, एंड शी रिमाइंड्स ऑफ अ मदर अमृता सिंह, एकदम मतलब एकदम उनके एकदम उन पे गई है, एंड इट्स द मूवी वॉज रियली गुड, आई एंजॉयड इट। VFX फिल्म का काफ़ी अच्छा है, और जो VFX एकदम एंड पे पता चलता है, जो क्लाइमैक्स फिल्म का जबरदस्त है, क्लाइमैक्स इतनी अच्छी तरह से उस फिल्म को शूट किया, मतलब घर टूट रहे वगैरह वगैरह जो क्लाइमैक्स है बहुत ही अच्छा है, लव्ड इट। एंड बात करेंगे अभी सुशांत की, सुशांत काफ़ी अच्छा एक्टर है, अभी उनको बहुत टाइम हो गया हम लोग ने देखा आफ्टर राबता, ही हैज डन रियली गुड एंड आई अप्रिशिएट इट, सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। आपने धड़क देखी है, और अगर जानवी और सारा की एक्टिंग की कंपैरिजन करें तो किसका डेब्यू आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है? नहीं देखिए दोनों अलग है, जानवी कपूर की अपनी एक छाप है, जानवी कपूर की अपना एक स्टाइल है, जो धड़क में उन्हें एक्टिंग की थी वो अलग है, तो हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, सब लोग दोनों ही उनकी फर्स्ट फिल्म है, दोनों की ये फर्स्ट फिल्म है, तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छे दोनों ही, काफ़ी अच्छे अपने अपने काम में, तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते दोनों। अगर कितने स्टार्स देना चाहेंगे फिल्म?
2.5. Is there any message that you would like to give to the director of the film? Director Abhishek Kapoor is really good. I appreciate it. उन्होंने शायद से काई पोची भी बनाई है, which is one of my favorite movies. काई पोची में भी सुशांत सिंह राजपूत है. It's मतलब वो अभी तक की मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है. So he is really good and director Abhishek Kapoor sir, आप ऐसी picture बनाया करो जिसे देख के हम मतलब हमें अच्छा लगे, दूसरों को रेकमेंड करेंगे. यस श्योर मतलब ये फिल्म कहीं भी बोर नहीं करती. एक चीज मुझे लगा था, मेरे को लगा था कि ये फ्लड्स वर्ड्स के ऊपर है तो लव स्टोरी क्यों डाली है, तो बट ठीक है जहाँ तक लव स्टोरी डाली है इट्स ओके, पर बोर नहीं होना चाहिए. तो मुझे फिल्म में कहीं भी बोर नहीं हुआ, आई एंजॉय इट. थैंक यू सो मच. अच्छा सो यू गाइस हैव वॉच्ड केदारनाथ, आपको कैसी लगी केदारनाथ? बहुत अच्छी मूवी थी, बताओ ना. And it was amazing experience. You guys should watch it definitely. And we've been saying this for the 10th time that not just for Sara. No, just for, if you're a fan of Sara, you should completely watch it. Definitely watch it. But then if you're not a, it's not just a movie. It gives you a message. You know how should we be now? As a human, how should we react to the nature? So you guys have also seen Dhada. क्या लगता है किसका debut बहुत ज़्यादा promising है? For sure. If there's any message that you guys want to give to Sara, kya hoga? We love you. Be around us so that we can watch you. Yeah, more, and we would love to watch you in the big screen. Any message for Sushant? We love you. We love you, Sushant. And out of 5, how many stars would you like to give? 4.5. You? Thank you.